ब्रह्मांड यूनिवर्स समस्त आकाशीय खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, इसी में हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह है। विभिन्न तारों एवं अनेक अवशेषों तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाश गंगा कहा जाता है, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। इन्हीं अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारकीय मध्य गैसों धूल कणों से आकाशीय गंगा गैलेक्सी का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडल के अंदर तारकीय मंडल स्थित हैं, जैसे हमारा सौरमंडल। क्या आप जानते हैं प्रकाश वर्ष की दूरी का मापक है? इसका उपयोग खगोलीय पिंड के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं कहा जाता है। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है, अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित है, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या एरावत पथ नामक आकाश गंगा मिल्की वे में स्थित है। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। एरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाश गंगाएं तारों के समूह से ही आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता है, वह तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम पुच्छल तारा है, धूमकेतु है। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इसकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं, इसी कारण इन्हें पुच्छल तारा, पूंछ वाला तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली है, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था, अब यह पुनः 2062 में दिखाई देगा।